हेलो, वेलकम बैक टू दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छी होंगी। और आज हम बात करेंगे जॉइंट में टाइल कैसे लगाए 2x2 की। पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो ग्रुप में था 2x4 का, अभी हम लेकर आए हैं आपके लिए टच में। कौन सी बेस्ट रहेगी टाइल, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा टच में। बिल्कुल टच में ग्रुप नहीं दिया इसके अंदर, और किस तरह से लगाई जाती है दोस्तों पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। बने रही वीडियो में, स्टेप बिल्कुल मिस ना करें, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी टच में लगाने, टच में कैसे लगाई जाती है टाइल दोस्तों, इसका हम पूरा डिटेल हम आपको देंगे। हेलो, वेलकम बैक टू दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि प्लास्टर कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद हम 2x2 की टाइलें लगाएंगे। सबसे पहले हम जड़ा मार लेंगे यहाँ से बिल्कुल लेवल में, चारों तरफ कोनों के अंदर इस तरह से बिल्कुल हमारा ठैया लग जाएगा। जितना हमको रखना है मार्जिन उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से हमारा होल लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग होगा टच जॉइंट टच में से। सबसे दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ प्लास्टर होता है, प्लास्टर के बाद टाइल लगना बिल्कुल आसान तरीका है। पहले प्लास्टर करना बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल लेवल अच्छी तरह से निकाल कर बिल्कुल अच्छी तरह से कर दे, वरना दिक्कत आ जाएगी, इस तरफ से चला जाएगा। अगर आप बिल्कुल लेवल में रखोगे, अगर फर्श बिल्कुल लेवल में रखना है आपको, तो बिल्कुल अच्छी तरह से लेवल निकाल कर, डेढ़ निकाल कर फिर प्लास्टर करेंगे बिल्कुल लेवल में। इसका प्लास्टर हो जाने के बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे प्लास्टर कैसे किया जाता है, फिर उसके ऊपर हम 2x2 की टाइल का लेवल करेंगे। ये दोस्तों हमने जो होल है ये हमने लगाए हुए हैं। इसके बाद ही सबसे पहले हम होल ही लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद हमारे अंदर का जो रूम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम अच्छी तरह से ठहिए लगा लेंगे चारों तरफ से, फिर हम आपको प्लास्टर करना सिखाएंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अभी दोस्तों हमने दोनों तरफ से ये धड़े लगाकर बीच का जो प्लास्टर है यहाँ से बिल्कुल लेवल कर लेंगे, ऐसे दोनों तरफ से, इस साइड से और इस साइड से। एक वहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, इसको दोनों तरफ से लेवलिंग कर बिल्कुल, फिर अच्छे तरह से बीच से स्टार्टिंग कर दोनों तरफ से हम हमारा प्लास्टर कर लेंगे, बिल्कुल लेवल में आएगा दोस्तों। यदि आपको टाइल लगा रहे हो तो ज़्यादा माल गीला नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरीके से रखना है, बिल्कुल भुरभुरा टाइप का, ताकि जो हमारी टाइल ठुके वो बिल्कुल आसानी से सेट हो जाए, वरना ज़्यादा गीला होगा तो हमारी टाइल सेट नहीं होगी दोस्तों। दोनों तरफ इस तरह से पट्टे भरकर, और फिर बीच का जो हम स्टार्टिंग करेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पट्टे भर लेंगे, फिर बीच का स्टार्टिंग करेंगे वो हम आपको बताएंगे कैसे किस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से प्लास्टर करना सीख जाएंगे हम। इस तरह से दोस्तों दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से पट्टे भरकर, यहाँ से ये बिल्कुल अच्छी तरह से पट्टे भर लिए, फिर ये बीच का हमारी जो फंटी है बीच में पट्टों के ऊपर ऊपर से दोनों साइड से खींच कर लाएंगे यहाँ पर, फिर हमारा जो प्लास्टर है बिल्कुल लेवल में चलेगा दोस्तों। पहले अच्छी तरह से पट्टे भरकर फिर बीच का जो स्टार्ट है वो बीच का स्टार्टिंग करेंगे। इसी तरह से कभी भी करना हो दोनों तरफ से अच्छी तरह से पट्टे भरकर फिर दोनों तरफ से स्टार्ट करेंगे, और ये जो हमारा जो साइड का पट्टा भरा था वो फंटी खींचे तो कटना नहीं चाहिए, बिल्कुल पट्टे के ऊपर ऊपर दोनों तरफ से, दोनों तरफ से पट्टे के ऊपर ऊपर चलना चाहिए, ताकि हमारा जो प्लास्टर है वो बिल्कुल लेवल में आएगा दोस्तों। तो
इसी तरह से आप पूरा प्लास्टर करने के बाद में हम टाइल का प्रोसेसर आगे स्टार्ट करेंगे। अभी प्लास्टर हो जाने के बाद में दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले अच्छी तरह से दो टाइल सेट कर लेंगे, फिर हम अस्थायी रूप से सभी टाइल बिछा देंगे ताकि हमारा जो मार्चन है बिल्कुल अच्छी तरह से रहे। नीचे मार्चन के ऊपर पैर नहीं रखना है। टाइलों पे अच्छी तरह से टाइल बिछाकर प्लास्टर हो जाने के बाद में फिर टाइल लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इस तरह से सभी में टाइल बिछा लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर जॉइंट से ड्राइंग। यहाँ पे अगर दैवली गलवाई फिर तो अगर कोई बात नहीं है, लेकिन वरना जॉइंट से जॉइंट चले तो यहाँ से पहले स्टार्ट होगा कटिंग से। और इस रूम में चारों तरफ से कटिंग आएगी दोस्तों। अभी अच्छी तरह अस्थायी रूप से हम रख लेंगे ताकि हमारे जो आसानी रहेगी फिर हम वहीं से ठा ठा कर टाइल लगाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम दोस्तों हम आपको बताएंगे कि टाइल लगाने का प्रोसेस। सबसे पहले अच्छी तरह से जो हमारी जो हॉल की टाइल लगी हुई है आगे उसके उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम जॉइंट से जॉइंट मिलाकर। प्लास्टर हो जाने के बाद दोस्तों से फिर हम सीमेंट का घोल डालेंगे। अच्छी तरह से जॉइंट से जॉइंट मिलाकर अच्छी तरह से लगा देंगे। इसी तरह से सभी टाइल लगा देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। टाइल लग जाने के बाद दोस्तों हम जो ये ग्रुप टच में लगाते हैं उसमें नॉर्मल बेंड रहता है। ग्रुप में लगाएंगे तो बेंड नहीं रहेगा, टच में लगाएंगे तो नॉर्मल बेंड रहेगा। इसके सहारे से हम ईंट के सहारे से उस बेंड को कवर करेंगे। इस तरह से हमारे जो टाइल्स है उसमें बेंड नहीं रहेगा बिल्कुल। अच्छी तरह से दबा कर सेट कर लें ताकि जो हमारा बेंड है वो निकल जाए। टच में लगाएंगे तो नॉर्मल जो कंपनी बोलती है 0.5 का वो बैंड आपको मिलेगा हर टाइल में, इसलिए उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उस पर नॉर्मल वज़न रखकर आप अच्छी तरह से बैंड निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों बैंड निकालने का टाइल का। कितनी ही बड़ी टाइल हो कैसे भी हो उसमें आसानी से आप बैंड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इसी तरह से हमने जो वज़न रखा है इसी तरह से करके आप रख सकते हैं। और ये हमारा जो लास्ट में कंप्लीट हो गया है दूसरे दिन का बिल्कुल आसानी तरीके से, आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा बैंड बिल्कुल अच्छी तरह से जो हमने कलर लगाया था। नॉर्मल जो बैंड हो उस पे हम कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, जितना हो सके उतना हम रखेंगे क्योंकि टच में टाइल लगेगी तो नॉर्मल बैंड तो दिखाएगा ही बार। इसलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें। धन्यवाद।